कान का अगर पर्दा आपका जो है वो जैसे इस मशीन से अपन चेक करके देखते हैं, तो कान का पर्दा चेक करने के लिए सबसे पहले आगे ये जो निप लगाते हैं इसपे, और फिर सीधा कान में देखा जाता है एज ए लाइट करके। अब आप देख सकते हो इसका कान के पर्दे को, आप देख सकते हो, थोड़ा नजदीक कैमरा यहाँ पे लेके आना, इसको आप नजदीक से देख सकते हो, इसके कान में फिलहाल कोई दाग नहीं है। ये अंदर आप देख सकते हो, ये इसका पर्दा है और इसमें कहीं भी कोई भी दाग किसी प्रकार का नहीं है। इसी तरह आपका जो सेकंड साइड है, इस साइड का कान भी ऐसे ही चेक किया जाता है। इसमें भी आप देख सकते हो, लाइट करते ही आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा कि इसमें भी इसके दाग नहीं है, मतलब कि इसका कान जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा इसमें जो चीज चेक की जाती है, मशीन का काम इतना हो गया, इससे एक चीज और देखी जाती है कि आपके कान में कहीं किट्टी तो नहीं है, जिसे मेल बोलते हैं। कान में अगर यहाँ पे किट्टी है तो आपको रेफर मिलेगा, व्हाइट कलर का दाग है, चंद्राकार दाग है, तो आपको रेफर मिलेगा। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है ऑपरेशन। ऑपरेशन कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो करते हैं, तो आपके यहाँ पीछे घूमना बिल्कुल, कान जो है यहां से काट के ऑपरेशन किया जाता है। अगर यहां पे आपके निशान हो गया, डॉक्टर ऐसे बाकायदा चेक करते हैं, तो ऑपरेशन भी होते हैं जिनमें कई में निशान का पता ही नहीं लगता। अगर निशान का यहाँ पे कटा हुआ पता लगेगा तो आपको रेफर मिलेगा। तो पॉइंट तीन हो गए इसमें, एक तो वाइट दाग का, दूसरा यहाँ पे आपने ऑपरेशन करवाया तो इस निशान का, तीसरा अगर इसके अंदर आपके मैल भरा है तो, चौथा जो है इसमें पर्दा फटा हुआ रहता है जिसमें आर पार छेद हो और बार बार मवाद गिरती रहती है, तो उसका आप ऑपरेशन करवा लें, लाइफ के लिए भी जरूरी है। ऑपरेशन के बाद में हो सकता है अगर आपका पीछे का निशान ना दिखाई दे तो आपका जो रेफर है वो चल जाएगा और आपको रेफर नहीं मिलेगा, आपका जो पॉइंट है वो निकल जाएगा अच्छे से। अब गलती कहाँ करते हैं हम, कान की सफाई नहीं करते हैं, तो डॉक्टर ये आप देख सकते हो कि इसके साथ ये इतनी निप आती है, हम सोचते हैं कि हम बाद में करवा लेंगे। ये निप जैसे ही डॉक्टर यहाँ अंदर डालेगा इसमें, और यहाँ पे आपकी जो गंदगी मेल वगैरह आया देख के दिमाग खराब होता है, तो अधिकतर पॉइंट तो वो उसी में टेक देगा तुम्हें। तो इससे अच्छा है कान की आप सफाई करवाएं। तो हाइड्रोक्साइड नाम का मेडिकल पे एक शीशी मिलती है, वो भी आप नाइट में डाल के सुबह आराम से खुद भी घर पे भी कर सकते हैं, और डॉक्टर से भी करवाए तो वो प्रेशर से जो कान साफ करता है उस प्रकार आप कान साफ ना करवाएं, नहीं आपको महंगा पड़ जाएगा। तो ये पॉइंट है, ये बच सकते हो। दूसरा आपके मवाद भरी है वो अंदर अगर कोई फोड़ा फुंसी है, जैसे कोई फोड़ा फुंसी टाइप आपको कुछ हो रखा है, तो प्रेशर वाले से आप करवाते हो तो निकल जाता है, तो आप भर्ती के कम से 10 से 15 दिन पहले करवा ले, क्योंकि अगर अंदर दर्द हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई फुंसी वगैरह है, और उससे प्रेशर से अगर हम साफ करवाते हैं तो वो साफ हो जाती है और दवाइयां लेने से ठीक हो जाते हैं। अगर अंदर घाव हो गया तब भी आपको रेफर मिलेगा। तो यही नॉर्मल से पॉइंट जो है वो चेक किए जाते हैं। इनके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि एक पेपर शीट लेंगे उसके उधर ऐसे ऐसे करेंगे, सुनाई दिया क्या, ये पेपर लगा के आवाज देंगे, ऐसा कोई चेकअप नहीं होता है, ना आपको दूर से आवाज दी जाती है ना कुछ और किया जाता है। बस आपका जो कान है वो इस मशीन से अंदर का पर्दा, अंदर का मैल चेक किया जाता है। बाहरी आवरण पे देखा जाए तो यहाँ आपके टांके लगे हुए हैं, इसका मतलब आपने ऑपरेशन करवा रखा है डॉक्टर को उल्लू बनाने के लिए, इसलिए आपको रेफर मिल जाता है। इसके अलावा जो कान है उसमें कुछ आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और आगे कोई अलग वीडियो आपको चाहिए तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद।